तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ 4:30 बजे के आसपास शुरू हो रहा है, क्योंकि मेरा आज भी कोई प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का। कल आज तो जैसे मैं डाला नहीं आपको, मैंने कल इंस्टाग्राम पे जो लोग है उनको मैंने अपडेट दे दिया था कि मैं व्लॉग नहीं डालूंगा आज। तो मेरा मतलब कल भी नहीं डालना है मुझे व्लॉग, बट मैं कहा चल थोड़ा बहुत चाहे छोटा 6-7 मिनट 8 मिनट जो भी बनेगा मैं डाल देता हूँ, ताकि आपको कुछ देखने को मिल जाए। व्लॉग मैं क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मम्मी की हो गई फिर से काफ़ी ज़रा तबीयत ख़राब। तो रात को भी मैं मतलब पूरी रात जाग रहा था, तो मैं ढंग से सोया भी नहीं था। तो मम्मी की मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तो उस चक्कर में मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, क्योंकि मूड थोड़ा अपसेट था उस चक्कर में। तो अभी यह चल लेट ही हुई पापा साथ था, तो मैंने सोचा कि चल थोड़ा बहुत व्लॉग करूँ। और इसके बाद पापा ने भी जब बेंगलोर से आते हुए पापा ने थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी, तो मैं वो भी यहाँ पे अभी लगा दूंगा, आप देख लेना। साथ में अभी मैं जा रहा हूँ यश के घर पे, क्योंकि उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके घर पे मैं पूछने नहीं गया था, तो मैं उसके पास भी जाता हूँ उसकी क्या हालत है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बैग ड्रॉपर के लिए, स्पाइस जेट के लेके। स्पाइस जेट वालों के लेके अभी कोई भी काउंटर पे नहीं है। तो गाइस अब अपनी हो गई अब बोर्डिंग, और अब हम जा रहे हैं चेक इन के लिए, और अब यहाँ पे आगे जाके हमारी चेक इन होगी, और अब हम चेक इन करवाने जाने हैं। अब मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे कौन से, पूना में। कल रात को मैं बेंगलोर था और सुबह आज आ गया था पूना। अब पूना के एयरपोर्ट पे हूँ, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ दिल्ली के लिए, और घर जा रहा हूँ। घर जाने के लिए यहाँ से एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ूँगा। मेरी फ़्लाइट होगी 2 घंटे डिले, अब इसलिए मैं अब लॉन्ज में बैठा हूँ। 2 घंटे आया है लॉन्ज में, अब कुछ खाते हैं बैठ के और 2 घंटे का टाइम पास करते हैं। अभी यहाँ से चलते हैं बोर्डिंग के लिए, और बोर्डिंग के लिए एयरपोर्ट पे, और बोर्डिंग का रहा कोई इस तरीके से, ये रहा बोर्डिंग के लिए जा रहे हम। अब फ्लाइट पे पहुँच चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं अपनी सीट के ऊपर 15F। तो ये रही हमारी सीट, और इसमें अब जाते बैठते हैं, और लड़ी अब पहुँच गए हैं अपनी फ्लाइट में। तो यश के घर से मैं अभी जस्ट अभी आया हूँ, और वहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा चोट लगी नहीं, मैं ब्लॉक करना था लेकिन वहाँ पे जाके भूल गया। अच्छा उनके साथ थोड़ा बातों में लग गया था, तो दिमाग में याद ही नहीं रहा कि भाई ब्लॉक भी करना है। तो अभी घर पर आया तो मम्मी को भी उठाया, तो मत अभी भी थोड़ी ऐसी है मतलब। तो मैं व्लॉग बना तो रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कल डालूँ ना डालूँ, ऑनेस्टली बताऊँ मुझे कुछ नहीं पता मैं व्लॉग ना डालूँ या ना डालूँ। हो गया बन गया होगा थोड़ा बहुत तो डाल दूँगा, नहीं होगा तो बाद में डाल लेंगे। ऐसी है मतलब, देखते हैं बाकी। तो गाइस अश्वी लेके आ गए थे हमारे मेरे लिए पैटिस, कि मैं चलो कुछ खा लूँ, तो ये पड़ी। बाकी इसमें थोड़ी सी पापा ने भेलपूड़ी बना दी थी, ये भी थोड़ी सी खाई लेंगे, बाकी पैटिस वगैरह खा लेते हैं। और ब्रोडी को मैंने यहाँ बिठा रही थी अंदर, ये कर रहा था मम्मी को परेशान, कैसे बैठा हुआ है ये। एक्चुअली मम्मी काफ़ी परेशान कर रहा था, मम्मी वहाँ लेटी हुई थी, तो पापा जैसे थोड़ा सा मम्मी को एडजस्ट करते थे ना, राइट या लेफ्ट हो जाए या ऐसे हो जाए, तो उसको लगता था कि मार रहे हैं या मतलब ये प्रोटेक्टिव हो जाता था, चाहे मतलब टच भी करे ना किसी इंसान को, ये प्रोटेक्टिव हो जाता भाई, सब कुछ कह दिया मैं बचाना हुआ उसका, ये ऐसा सीन है। तो इसलिए मैंने इसको कर दिया, इधर भोग भी बहुत रहा था तो मम्मी को सो रहा था, तो ये लोग आई ना आवाज, अभी ऐसे भोग भोग के सबको पी रहे, ये ऐसे ही सबको परेशान करते भोग भोग के भाई। तभी हमने इसको इधर कर दिया था कि चल मम्मी की तबीयत खराब है तो तू इधर कर, बाकी हम खाते हो और आगे मिलते हैं। यहाँ मेरी चली थी एडिटिंग, और यहाँ देखो जहाँ इसी चलेगा ये वहीं पे आगे सो जाएगा। ब्रडी देख सारे देख रहे तेरे को, ब्रडी कौन है बंदरा अटैक मोड में आ जा रहा जब इसको बोलो ना बंदरा आया या कोई आया। ब्रोडी कोई नहीं आया, देख कोई नहीं आया, मम्मा का है मम्मा, सो जा। तो गाइस रात के बज रहे कुछ 10, तो अभी मैंने डिनर करा नहीं था, कि अभी देखता हूँ डिनर क्या करना है मुझे। तो उससे पहले times like all you want to do is run
ये देखो भाग के कैसे गया। आ जा जल्दी आ जल्दी जल्दी आ और उधर जा। अब इसको मैं फटाफट ले जाता हूँ, नहीं तो इतने तो मेरा बैठना भी मुश्किल कर देना अगर मैं इसको लेके नहीं गया तो। इसको फटाफट आ जा चले। गाइस ब्रोडी को चुप कराने का तरीका पता है कैसे है? इसको ना 5-10 मिनट घुमा के बाहर ले, 10 मिनट घुमा के ले कम से कम बाहर, उसके बाद इसका चेहरा ऐसा होता है। ब्रोडी थक गया। इसकी जीभ बाहर निकल जाती। अब भोग ना, अब तो भोग रहे, अब नहीं भोगे गए, अब थक चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ, मानसूरी आ चुके नीचे, तो मैं जा रहा हूँ फटाफट गाड़ी चलाने। क्यों? क्योंकि परसों है मेरा ड्राइविंग टेस्ट, तो मैंने मतलब लास्ट जब मैं खाटू श्याम जी गया था उस दिन गाड़ी चलाई थी, उसके बाद मैंने एक बार भी गाड़ी चलाई नहीं, क्योंकि मैं बाहर गाड़ी में घूमता फिरता कम हूँ, बहुत कम घूमता, मैंने जाता नहीं ऐसे। तो उसके बाद से मैं अब तक एक बार भी गाड़ी चलाई नहीं, तो परसों टेस्ट था तो मुझे ये था थोड़ा हार्ड सेट हो जाए ताकि टेस्ट में पास हो जाऊँ। तो चलते हैं बटा। तो गाइस मानसो लगा रहे गाड़ी, तो मैं तो आ गया था घर पे, मतलब अंदर आ रहा हूँ मैं, तो मैंने ये था पार्किंग भाई खुद कर लो, मुझे ये था पार्किंग मैं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा डर लगता है कि यार टायर अंदर ना चले जाए उस वजह से। तो मेरे को लगा चल मानसो कर लेंगे, कभी ऐसी सिचुएशन आ गई ना कि भाई करना ही मुझे ही है तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये होता है मानसो साथ कर ले, मैं क्यों मेहनत करूँ। बाकी अब देखते हैं डिनर का क्या जुगाड़ करें, क्योंकि कुछ बनाया तो है नहीं, अब जुगाड़ देखते क्या खाते हैं आज। मानसो ने आटा गूंद दिया और मुझे ये लगा था कि जब चावल पड़े आते, मेरे मम्मी वो पहले दिन तो उठे नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल है, मैं उठा के बिठाया तो ये रही था राजमा चावल डाल के दे देता हूँ। राजमा जो सुबह मानसो ने बनाए थे ना, ये देखो थोड़े से पड़े है, तो मुझे ये था चल मम्मी का तो हो ही जाएगा, तो फटाफट अब मैं चावल देखने आया तो चावल ख़त्म हो गए, मुझे पता नहीं था। बात मैंने मानसो को फटाफट बुलाया, आटा मुझे इसमें गूंदना आता नहीं, ये रोटी बना के फटाफट रोटी बना देते, रोटी बनाना आसान है, वो बना के मम्मी को खिला देते ताकि रात को चावल खाने में हैवी भी ना हो, बनाते हैं खिलाते हैं, बाकी अपना हम देखते हैं कैसी ना। ये देखो गाइस गोल गोल रोटी बना दी, लड़के के लिए रिश्ता भेज दो। भाई रोटी तो गोल है, बंदा चाहे गोल है नहीं है लेकिन रोटी गोल है भाई, यू आर परफेक्ट मटेरियल। आगे डैश है मत करी भाई रहने दे। बाकी वीडियो को मैं कर देता हूँ एंड, क्योंकि फटा एडिट भी करूँगा, फिर मम्मी के पास हूँगा भी, क्योंकि अकेला मैं ऐसे मतलब मैं जब भी मम्मी तबीयत खराब होती है मैं मम्मी के पास ही जाकर सो जाता हूँ मैं। तो वीडियो कर देता हूँ एंड, वीडियो कैसे लगे बता देना, बाकी लाइक शेयर कमेंट कर ही देना।